हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोटिवेशन में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट टेक्निकल न्यूज के बारे में, जिसमें इंक्लूड होगी टेक न्यूज रिलेटिंग टू होनर 9 लाइट के लॉन्चिंग के बारे में, यूट्यूब न्यू मोनेटाइजेशन रूल 2018 के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर्स के बारे में, साथ ही बात करेंगे जियो का लेटेस्ट प्लान लॉन्च हुआ उसके बारे में, और भी बहुत कुछ टेक न्यूज मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो प्लीज लेटेस्ट टेक्निकल न्यूज से अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला जो टेक्निकल अपडेट निकल गया था वो होनर की तरफ से। होनर ने लॉन्च किया अपना एक नया स्मार्टफोन जिसका नाम है होनर 9 लाइट। आज इसका इवेंट था, 12 बजे से लॉन्चिंग इवेंट था। फ्लिपकार्ट पे ये फोन आपको 21 जून से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इसको फ्लिपकार्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसमें आपको दो वेरियंट देखने को मिलेंगे, 3GB रैम 32GB स्टोरेज और 4GB रैम 64GB वाला स्टोरेज। 3GB रैम 32GB स्टोरेज की जो प्राइस होगी वो होगी 10,999 रुपए, और जो 4GB रैम 64GB स्टोरेज वेरिएंट है उसकी प्राइस होगी वो होगी 14,999 रुपए। इसके साथ में आपको इसको इसमें 5.65 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 18:9 के रेशियो में होगा। फुल विजन डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके कैमरा की बात करें तो इसमें 13 MP प्लस 2 MP का फ्रंट कैमरा और 13 MP प्लस 2 MP का रियर कैमरा आपको देखने को मिलेगा। तो चार कैमरा वाला फोन ये दूसरा फोन है जो होनर ने इंडिया में लॉन्च किया है। पहला फोन था होनर 9i जिसे इंडिया में चार कैमरा के साथ लॉन्च किया था, जिसमें आपको पोर्ट्रेट मोड और बुके इफेक्ट के फीचर देखने को मिलते हैं। लेकिन होनर 9i लॉन्च किया था उसके लिए अभी तक एंड्रॉइड ओरियो अपडेट की वेट कर रहे हैं लोग, लेकिन इस फोन में आपको एंड्रॉइड ओ प्लस EMUI लेटेस्ट जो UI का यूजर इंटरफेस है 8.0 आपको इसमें ऑलरेडी देखने को मिलेगा। इसके अलावा 3000 mAh इसकी बैटरी होगी। आप इसका स्टोरेज 128GB तक बढ़ा सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर के अलावा बाकी सारे नॉर्मल जो सेंसर एक फोन में आते हैं वो सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप अगर इसके पूरी डिटेल जानना चाहते हो तो आप फ्लिपकार्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगला जो टेक्निकल अपडेट निकल के आता है वो यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब ने यूट्यूब न्यू मोनेटाइजेशन रूल 2018 आज इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें अब यूट्यूबर्स के लिए अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करना इजी नहीं होगा। अप्रैल 2017 से पहले की बात करूं तो यूट्यूब को मोनेटाइज करना बहुत आसान होता था, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। फिर अप्रैल 2017 में यूट्यूब ने एक नया रूल लेके आई, जिसमें जब यूट्यूबर 10K यानी 10,000 व्यूज कंप्लीट कर लेते थे उसी के बाद वो एलिजिबल होते थे अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, यानी कि अपने यूट्यूब चैनल पे एड लाके पैसा कमाने के लिए, अपने यूट्यूब वीडियो पे एड लाके पैसा कमाने के लिए। लेकिन अब स्टार्टिंग के 2018 में यूट्यूब ने एक नया फीचर एड किया, नया मतलब रूल लेके आई है, मतलब नया स्ट्रिक्ट रूल लेके आई है, जिसमें अब यूट्यूबर्स को अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने के लिए कम से कम अपने चैनल पे 4,000 घंटे का वॉच टाइम यानी 4,000 hours वॉच टाइम प्लस आपको 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होंगे लास्ट 12 मंथ में, यानी पिछले 12 महीने में अगर आपका 4,000 घंटा वीडियो देखा गया, 4,000 घंटे आपका 4,000 hours वीडियो देखा गया प्लस आपके 1,000 सब्सक्राइबर आपने पिछले 12 महीने में गेन किए या कंप्लीट किए तो ही आपका यूट्यूब चैनल मोनिटाइजेशन होगा। तो यूट्यूबर्स के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है ये। अगला जो टेक्निकल अपडेट निकल के आता है वो है व्हाट्सएप से रिलेटेड। आने वाले कुछ दिनों में आपको व्हाट्सएप पे कुछ अपडेटेड फीचर देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर आप व्हाट्सएप पे एडमिन है तो आपको कुछ राइट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा एक बेहतरीन फीचर आपको व्हाट्सएप पे देखने को मिल सकता है, जब आप व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल करते हैं तो अभी तो आपको वॉइस कॉल से अगर आपको उस टाइम वीडियो कॉल करना है तो उस वॉइस कॉल को काट के वापस एक नया वीडियो कॉल करना होता है। लेकिन आने वाले अपडेट फीचर में आपको व्हाट्सएप का जो आप जब वॉइस कॉल कर रहे होते हैं, जब आपका वॉइस कॉल कंटिन्यू है उसी में आप बिना उस फोन को काटे आप नया वीडियो कॉल कर सकते हैं, मतलब आप उसी जो वॉइस कॉल को है वो वीडियो कॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सामने वाले से वॉइस की जगह वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। अगला जो टेक्निकल अपडेट निकल के आता है वो जियो फोन से रिलेटेड। जियो ने अपने जियो फोन कस्टमर जो जियो फोन यूज करते हैं उनके लिए एक नया प्लान अपग्रेड किया है। पहले जब जियो फोन लॉन्च हुआ था तो 153 रुपए में उनको 500 MB डेटा पर डे प्लस आपको वॉइस कॉल्स STD रोमिंग सारा फ्री दिया जाता था। इसके अलावा आपको 100 SMS पर डे दिया जाता है। लेकिन अभी उसी प्लान को अपग्रेड किया जियो ने, इसमें आपको 500 MB की जगह 1GB पर डे मिलेगा। इसके साथ ही आपको 100 SMS पर डे और आपको वॉइस लोकल STD जो कॉल है कॉलिंग का अनलिमिटेड आपको इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगला जो टेक्निकल अपडेट निकल के आता है वो फ्लिपकार्ट और अमेजन से रिलेटेड है।
फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों की सेल 21 जनवरी से स्टार्ट होगी, लेकिन फ्लिपकार्ट की द रिपब्लिक डे सेल एंड होगी 23 जनवरी को और अमेजन की द ग्रेट इंडियन सेल एंड होगी 24 जनवरी को। दोनों ही सेल में आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन में बहुत सारी इलेक्ट्रिक आइटम और बहुत सारी चीजें हैं जिनपे डिस्काउंट और कैशबैक देखने को मिलेगा। आप फ्लिपकार्ट और अमेजन पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट्स। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।